हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपने बाइक को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है, मैं अपने बाइक को लेकर कोलकाता लॉन्ग ड्राइव पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ी थी। रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पर जाके 2 वड़ा पाँव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग शुरू कर दी। अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूँ इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय पे एंड यूज का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है, बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, अब थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम पत्ता के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए ऐसा लग रहा था। जोर जोर से मैं रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी लाल आंखों वाली लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागलखाने से भागा आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच निकला।